सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। होप आप सब ठीक ठाक होंगे और भाई सब मस्ती होने चाहिए। मौसम देखो आज का, आज तो धूप रहने वाली है। कल तो फिर भी मौसम सही था, थोड़ी बहुत ही हवा चल रही थी। आज दिन को अच्छी खासी गर्मी पड़ने वाली है। तो आज घर पे ही हैं अभी। राजेश आया नहीं, कल आपने देखा था गाड़ी वो लेके गया, वो आया ही नहीं अभी। तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएगा फिर देखते हैं कहीं जाने। यहाँ पे पार्क उस दिन अंदर से साफ़ सफाई की थी, एक तो चक्कर लगाएंगे फिर करेंगे अंदर से साफ़ सफाई। बाकी आज थोड़ा घर पर काम काज चल रहा है। घर का कुछ ऐसा सीन है, वहाँ पे सफ़ेदी वगैरह हो गई है। यहाँ पे थोड़ा लिपाई का काम है। ऐसे ना एक अच्छा है, उसके अंदर लिपाई है और नीचे भी लिपाई वाला है। क्योंकि पहले यहाँ पे गाय वगैरह को बांधा जाता था, गाय यहाँ पे बांधते थे हम। अब गर्मी है, गाय अंदर बांधते नहीं। अब गाय को ऐसे यहाँ बांधते हैं, जैसे शादी स्टार्ट हो जाएगी तो गाय को कहीं से उस पेड़ के नीचे या वहाँ पे छाया पे कहीं ना कहीं बांधेंगे। यहाँ से अपने खेत है, अपने खेत में कहीं पे भी। तो यहाँ पे भी जैसे अब अंदर से रूम हम खाली कर रहे हैं, जैसे वो देखो डबल बेड बाहर आ गए, ऐसे ऐसे एक दो बेड और हैं जो बाहर आ रहे हैं। कि अंदर आपको पता है एक रूम में एक बेड, उस पर कम से कम 3 से 4 लोग सो पाएंगे। अगर हम वही गद्दे अगर नीचे डालेंगे पूरे पूरे मकान के अंदर, तो कितने लोग सो पाएंगे, कितने एडजस्ट हो जाएंगे। क्योंकि मकान छोटा है अपना, जितना है अभी उतना है। अब यहाँ पे कर रहे हैं लिपाई इसको अच्छे से, सभी काम कर रहे हैं इसको लिपाई करेंगे। कुछ बेड यहाँ पे लग जाएंगे, आधा काम यहाँ पे ही। ये पुराना, मतलब पुराना नहीं है, दीवारें इसकी मिट्टी से लिपाई के ऊपर लेंटर है। गायों के लिए था, गायों का भूसा जो पुराने वाला पिछले साल का बचा है, नहीं या तो ये फूल है यहाँ पे। बाकी छोटा मोटा घर का सारा सामान निकाला, अब इस पर लिपाई होने वाली है। लिपाई करके सफेदी करके फिर आपको दिखाएंगे कैसा लग रहा है। क्योंकि खाने पीने का सिस्टम यहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे वो किचन वगैरह जो लांगरी खाना बनाएंगे कुछ यहाँ पे, अगर बारिश होगी यहाँ पे। अभी वो चादर हमने कहा लाई थी, वो यहाँ पे आकर लगाएंगे भी, ताकि बारिश भी हो जाए तब भी सेफ रहे इंसान। राजेश को भी बोल दिया फोन करके, कुछ सामान लाना था, कुछ छोड़ना था। देखो सुनील कर रहा है अंदर काम। तो किसी को भाई लादी वगैरह करवानी है, सुनील से कॉन्टेक्ट कर सकता है वो। कच्चा नहीं है, ऊपर लेंटर है, बट दीवारें भी कच्ची नहीं, दीवारें भी मजबूत है। बट क्यों तेरे मकान की, तेरे की नहीं पर इसकी है भाई। वो वहां पे आ गया आज भी ट्रैक्टर पानी लेने के लिए। मतलब छोटा मोटा सारा काम चलता रहता है, पानी भरने गया सुनील, बंदे बढ़ गया, अभी सारा काम चल रहा है। अखिल भी आ गया, राजेश भी अभी आया, पानी भर रही है, भूसा लगा दिया। अंदर से होगी लिपाई, बाहर बाहर से हो रही है। देखो अब कैसा फर्क पड़ रहा है, पहले और हमें देखो लाइट आई थी ऊपर, तारे भी यार इधर लाना है, इधर गिड्डा रहा। वो देख बोतल पे भी है ना, तकने दे यार, मैं देखना पड़े ले आना पर यार। अब यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ी सी लिपाई करनी है। अब राजेश भी आ गया और वाइट पैंट पहन के। ओ दादी ठीक हो, बोतल ले कपी जगह पाई ले बीच ठीक हो। दादी अपनी खाट की टेंशन की, दादी पता है कोठी की गारंटी है नहीं है, खट खट जाएगी। दादी देख रहे अंदर क्या है इस पे, दादी खजाना है इधर। चोरी कर रहा चोर गाड़ी। आई 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 खोल छोड़ी, अब शीशा पुराने तब तक ना होगी साफ सफाई सारी। ये मैं नई मूर्ति लगा शिवजी भगवान की, हेलो। अभी बस हम खाना खाने ही वाले थे, आज ही मैंने फोन किया तो कह रहे चिकन बनाते हैं। तो मैं राजेश और अखिल हम जा रहे हैं, इस तरह धोखा हुआ बंदे के साथ। मेरे को पता चल गया हम चिकन बनाने, एक खाना खा रहा था मैं, कोई नहीं बोला। मैं आधा खाना खाने से पहले बंदे का आधा पेट फूल है, फुली है ना। ये नहाने जा रहा था, चिकन का नाम सुन के नहाना कैंसिल किया, मतलब चिकन इंपॉर्टेंट, नहाना कैंसिल। चिकन निकाल, चलते हैं चिकन वगैरह खाएंगे, वापस आ जाएंगे। पास पे ही जाना, थोड़ी टेप करवानी थी क्योंकि 29 तारीख को हमें वहाँ जाना था। जैसे अब वो प्लान कैंसिल हो गया, तो सिद्धू मूसेवाला जी का फोटो बनवाना है साइड पे खिड़कियों पे। यहाँ ऐसे दुकान पे तब से बैठे यहीं, ये टायर फट गया, मतलब अपने आप ही फट गया धूप से ही, इसमें हवा ज़्यादा होगी अपने आप। देखो पूरा अब दूसरा लाया यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा ये। और यहाँ पे थोड़ी टेप करवानी है, यहाँ पे भी थोड़ी कुछ करवाना है, सोच रहे हैं कुछ बनवा दें यहाँ पे। तो मौसम भी सही होगा, कब से आए थे यहाँ पे, खाना वगैरह खाया यहीं। अभी खोलते हैं टायर पहले, वहाँ से कुछ भी नहीं करवाया ये इतना ढीला था ना इंसान, इतना ढीला बंदा है। मैंने बोला भाई टायर चेंज करना, तो पीछे पड़ा अभी तक, टायर भी चेंज नहीं किया, टेप करवानी थी वो भी नहीं की। भैया इनको उधर जाना है, अब सीधा घर पे चलेंगे। अब शाम को देखते हैं बाइक वगैरह लेके आएंगे घर से एक ही बार। अब पहले जाके काम शाम करते हैं घर के छोटे मोटे खत्म, अपने घर से लेकर राजेश के घर तक ना रोड पूरी सही हो गया ऐसे ही, मतलब 7-8 किलोमीटर में 5-6 मिनट का रास्ता, 7 मिनट का रास्ता बस यहाँ तक ही सही है, इसके आगे नहीं सही, इसके आगे। ओ भैया यहाँ से आपको रास्ता सही लग रहा होगा, बट भाई इतना सही नहीं है, देखना अभी
एक दिन ना मैं और जयेश आए थे, हमने सोचा हमारे घर में ना पूरा रास्ता पक्का होगा, किसी ने हमें बताया ही नहीं, बट ऐसा नहीं था। क्योंकि यहाँ पे एक ना वीडियो ब्लॉग ऑफिस है, तो ये रास्ता उधर चला गया, अपना रास्ता यहाँ से ऐसा ही आगे। पहुँच के घर पे जानी के पास, सारे सो रहे होंगे, सारे रेस्ट करेंगे। हम निकाल के गए थे गाड़ी से, अभी तक यहीं पड़ी हैं। लिपाई होगी जो चीज़ मैं आपको सुबह दिखा रहा था ना, जो हम सब ने की खुद ही, और आपने सुबह देखी ये चीज़, अब देखना कैसा हो गया सुबह और अभी में क्या फ़र्क है। ये देखो, अब लग रहा है ऐसे पुराने घर जैसा, पर यहाँ पे बेड वगैरह लग जाएंगे, पूरा पक जाएगा। अभी जयेश चला गया घर पे, तो पापा और गौरव बाइक लेके गए, अब जाना था एक जगह, और गाड़ी लेके जाने का फ़ायदा नहीं, तेल खाएगी ज़्यादा, तो यहाँ पे रुके। अभी एक दोस्त और आ रहा है, जो शादी में दोस्त डाल रहे हैं, मतलब ऐसे जो गाना बांधते हैं, हमारे यहाँ पे होता है गाना बांधते हैं, दोस्त गाने को गाना मारते हैं। अब देखते हैं, अभी पहले तो तीन थे, अब ऐसे मेरी जो कास्ट है, एक अपनी कास्ट का भी रहेगा, चार हो गए, देखते हैं पाँच हो जाएंगे शायद से। सो गुड मॉर्निंग भाई अगैन। तो अभी सुबह 10-11 बज गए, मैं नहा धो के हो गया तैयार, आज घर पे कोई भी नहीं है, भाई भी कहीं काम चला गया, उसके बाद पापा और भी चले गए, राजेश भी गया, वो गाड़ी लेके कहीं गए, तो आज घर पे मैं अकेला और मम्मा ही हैं सिर्फ। तो आज कुछ ज़्यादा काम नहीं रहने वाला, जैसे मैंने यहाँ पे कल लिपाई वगैरह की थी, नीचे सफ़ेदी करनी है वाइट कलर की, पर आज ये अभी पक्की नहीं, अच्छे से इसको कल करेंगे। एक दिन हो गया जाने को, मैंने खोला निकाल तो उसका लॉक भी नहीं खोला, आज खोल के थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं अंदर से। परसों शायद हमारा ट्रिप है वापस फेरा बन जाएगा जम्मू से लोकल, क्योंकि आपको पता अभी शादी तक लोकल ही चल रहा है सिर्फ। अभी यहाँ पे हमने भिंडियों में लगाया था पानी, और इसका पानी हो गया ख़त्म, मतलब कि जो छोटा कम है उसमें पानी ख़त्म हो गया, मोटर बंद करनी पड़ेगी तो मोटर ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे कर रहे हैं काम में, अभी आया देखा अखिल अकेला ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये कर रहे हैं रास्ता ठीक, यहाँ से रास्ता है सब आएंगे जो गेस्ट, तो यहाँ पे पानी लगता तो ये हमें खड्डे वगैरह पड़ गए, यहाँ से ट्रक भी हम लेके जाते हैं तो मिट्टी डाल रहे हैं इस पर, देखो वहाँ से चाचू के घर से ला ला के यहाँ पर डाल रहे हैं, प्लान करेंगे। मतलब बोलने को शादी को अभी मतलब पूरा एक महीने से भी कम है अब, बट है कि काम छोटा छोटा इतना चल रहा है ना, मतलब डेली एक काम खत्म करते हैं फिर शाम को सोचते हैं ये काम फिर पेंडिंग रह गया, वो कल करना है, फिर वो कल करना है। अभी दिन के 12:30 और अभी हुआ काम खत्म, उसके बाद राजेश गौरव और सुनील भी आ गए, और 2-3 घंटे से वहाँ मलबा फेंका, पूरी रोड ऐसी ये वाली है ना ऐसे बना दी वहाँ पे भी, अभी काम और भी पेंडिंग था और वो नहीं कर पाएंगे, अब थक गया, अब रेस्ट बस। दिन को इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना कि इंसान बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पाता, चलो अब ट्रक पे होते हैं तो अलग है, क्योंकि जिस जहाँ ट्रक बैठेंगे कुछ ना कुछ कीमत दिन को तरपाल भी करना पड़ता है, पर घर पे अब मन भी नहीं करता काम करने का। अभी शाम के 4 बज गए, तब 12-1 बजे हम फ्री हो गए थे, हमने खाना वगैरह खाया, जब राजेश आया था वहाँ से, दिन को भी मैंने ना नहीं खाना खाया और राजेश ने भी खाना नहीं खाया, हम दोनों बस मस्त सो गए थे। अभी उठे सारे, पापा और गौरव तो काम पे गए, वो आए नहीं है, सुनील भी कर रहा है रेस्ट, तो मैं और राजेश भी जा रहे हैं। मक्की हमने ली है एक जगह से, 300 kg तक है वो, मतलब मक्की अपनी मक्की ख़त्म होगी थी, क्योंकि यहाँ पे मक्की की फसल थोड़ी कम होती है, कनक ज़्यादा होती है, तो मक्की के साथ क्योंकि जब बाजरा की खेती होती है तो मक्की और बाजरा दोनों एक टाइम पे होते हैं, तो मक्की हम कम लगाते हैं। वो पार एक दुकान है वहाँ पे हमने लेके रखी हुई है, मतलब वहाँ पे वेट किया था ना वो कांटे पे, जिसे ली थी फिर कांटे पे वेट किया और वहीं छोड़ दी। आदर्श भी अभी आ गया, तो अभी जाएंगे वहाँ पे वो लेने के लिए, वो लोड करके सारे ले आते हैं घर पे छोड़ते हैं, फिर जाएंगे कहीं थोड़ा घूमने जाएंगे, आपको कोई नई जगह दिखाते हैं आज, चलो वहीं चलते हैं, सबको ले चलते हैं, चलो 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 सारे चलो। अदू रहने दो, तू लग का दर्द है, चल से नहीं, ये अपनी पूरी मैन रोड यही है भाई, अभी ये अपने घर से नीचे, देखो अपना घर वो ऊपर है, वो देखो पीछे वो आ गया ना जो वो दिख रहा है, वहां से अपना घर है, अभी जा रहे हैं अभी घर से आगे नीचे वाली तरफ, वहां से लोड करके लाते हैं। वो चाचू का घर यहाँ पे हम काम कर रहे थे, वो अखिल का घर, गाड़ी जा रही है, पहुंच गए यहाँ पे, चलो खोलो भाई करो लोड, चलो 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 भैया, आय हाय वास्ट ट्यूब, राजेश प्रा पूरी मेहनत करना, वैसे दोस्त नहीं बाहर है बंदा, चल 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 तेरा इसी थोड़ा आगे करना तरीके ना लिखा, मुझे खड़ी कर रही हैं, यस वो यार सुनील शाकरपुर भैया सुन गए बहनी भी गड्डी, कितनी हो रहे ना 2 फेर लसा, वहाँ से सीट थोड़ी सी फट गई है और इतनी आ गई, अभी 2 और बची हैं, सामान कर दिया लोड, रास्ता बड़ा ख़राब है ना, और सामान हमारा वेट कितना होगा, 200 किलो हमारा होगा, 200 नहीं हमारा ज़्यादा होगा, 4 बंदे 50 किलो बंदा तो नहीं, बंदा 50 किलो से ऊपर है, 290 किलो वो भी है, टोटल गाड़ी में 500 किलो वेट है, आधा टन, बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे हैं, इसे खाली करते हैं फिर चलते हैं कहीं ना कहीं, पर बाइक आती बाइक लेके चलते हैं, बाइक है ही नहीं घर पे, आ गए भाई लोड करके, ना ये टायर पूरा कितना उठेगा जब इससे सारा सामान उतरना शुरू होगा, हाँ जान पे ही डरे थोड़ी जी, हो हेलो पीछे एक्सीडेंट यार, वाइपर से पानी नहीं आ रहा, कल हमने वाइपर ठीक किए थे, पता नहीं उस पर क्या दिक्कत होगी यार, बोनट तो मैंने खोला, ये रह गए 3-4 ही, उसमें पानी पूरा खत्म था भाई, पूरा पानी खत्म हो गया, गंदा हो गया वो खोलना यार,
आहो ये भी निकाल के, इसमें देखो दाने गिर गए मक्की के ना, ऊपर से घर का व्यू देखो। हाँ बाकी सारी ऊपर आनी है यार, जड़ी मशीन छोड़नी में रखी हुई गड्डी अंदर। मैं रोड पे आ गया और अपने एक दोस्त के घर जा रहे हैं, उसका भी मतलब ऑलमोस्ट शादी फिक्स हो गई है, तो मैं उसके घर भी होके आते हैं क्योंकि शादी पे अपने दोस्त पे यहाँ पे आए थे टायर लेने के लिए पप्पी से, और जेश को चाहिए थोड़ी बहुत, पता नहीं कौन सी और चाहिए अभी, तो वो लेने आए थे। मैं उस तरफ जा ही रहे हैं, अगर मिल गई तो छोड़ आएंगे, नहीं तो बाद में फिर वो कभी ले लिए टाइल पे, पर जेश के पहले टाइल छोड़ के आते हैं। ये भी काम खत्म होया, मिस्त्री ने लगाया ये सारी टाइल इकट्ठी कर रहे हैं। जेश के घर जाना ना तो मज़ा आता है क्योंकि एक ही खड्डा आ गया, बाकी पूरी रोड सही है, मतलब 3 मिनट में सीधा घर पे, 3.5-4 किलोमीटर भी है। पहले टायर छोड़ के आते हैं फिर जाना रोहित के घर। चाहे गांव की रोड है, मतलब यहाँ पे हाईवे नहीं है, बट देखो घोड़े आते हैं आराम से इजली, ये 18 टायर वाला है, 22 टायर वाले भी आते हैं, पर थोड़ा दिन को आराम से निकलते हैं क्योंकि दिन को ट्रैफिक ज़्यादा, रात को चलते हैं, अभी तो चल रहे हैं यहाँ से लेकिन नौशहरा तक कोई खास मोड़ नहीं है, रोड बिल्कुल साफ है। पहुँच के भाई जेश के घर पे, पर ना इसका घर भी थोड़ा सा रोड से दिखता नहीं है, ये थोड़ी चढ़ाई और थोड़ा डाउन है, बट इतना दूर नहीं जितना मेरा घर है, उससे कम ही है, बस ये डाउन उतरेंगे फिर दिख जाएगा घर, वो पार सामने है उधर, मतलब ये ऑलमोस्ट जो घर है सब मतलब इन्हीं के हैं, ताए चाचे भाई पापा के भाई वो और जेश के पापा की गाड़ी, ये घर नहीं है घर आ गया है, ये गाड़ी यहाँ पे पार्किंग है सभी गाड़ियों की। ये प्लम्प का पेड़ था भाई, पेड़ ही रह गया बस, चलो भाई टाइल छोड़ते हैं अंदर। ये जेश के घर पे रख दी सारी टाइल, ले देखे एक प्लम्प मिला भाई, पेड़ में तो एक भी नहीं है, जो मैं पिछली बार आया था पूरा पेड़ लदा हुआ था, ये खाली हो गया। इसी घर से चलते रोहित के घर, ये आ गया मेन स्टॉप बाखर मेन स्टॉप, यही जगह ला यहाँ से फिर सीधा से ओड मोड़ तक तो कोई खड्डा नहीं है, ये वही जगह यहाँ पे एक बार 6 जगह वो गाड़ी पलटी सेंटर वाली इन्हीं खड्डों पे। ओ भाई आए थे रोहित के घर, एक वो आया ही नहीं वापस से, अभी पंकज भी आ रहा है, सारे जो भी शादी पे दोस्त होने वाले हैं, यहाँ जो अपने स्कूल पढ़ते थे सब साथ बैठते हैं, आया नहीं, आई 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 रोहित तो वैसे तो वही बेइज्जती बड़ी है वैसे घर मैं तो जे हिसाब इज्जत है नहीं है। ये आ गया रोहित भाई, इसको लेने आए थे हम, चलो चलो भैया है इज्जत है यार, इज्जत तो बगैर कुछ नहीं है। यस सर, क्या क्या सुना है? चलो यार हो गई शाम, बस अब चलते हैं अपने वहाँ पे, अपने दुकान है मोमोज वगैरह की, वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद घर पे। आज शायद पापा उन्होंने चिकन लाया, कह रहे थे खाना है, तो पूछ रहे जेश आएगा, मैं बोला हाँ आएंगे बना लो चिकन, क्योंकि अभी है टाइम, तो फिर बस एक दो बार ही बनाएंगे उसको, फिर शादी जैसे पास आएगी फिर चिकन बनाना छोड़ देना। मौसम भाई हो गया पूरा बढ़िया एकदम ना, देखो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, और भाई गाँव की लाइफ ना जो लोग गाँव में रहते हैं उनको पता, बाकी बड़ी अलग होती है यार, बड़ी मस्त लाइफ, आराम से घूम सकते हो, किसी के घर जा सकते हो, शहर पे आप बस अपने घर के अंदर रहते हो या किसी दोस्त के घर जाओगे, अपना यहाँ पे आप घूम सकते हो टहल सकते हो। देखो ये क्या सुनने कर रहा है भाई, ये गाड़ी है पहुँच के भाई पंकज के घर पे, अब आ गए सभी, हम रोहित को भी ले आए, पापा इन घर पे घर से इनको भेजते नहीं है ना, बार बार बोल के लाना पड़ता है, छोटे बच्चे हैं घूम जाते हैं ना, बस अब जा रहे, पहले कुछ खाना था ऊपर, पहले कुछ खाना था पर खाया ही नहीं, अब जान से घर जाएंगे, घर पे तो अपना चिकन बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, और एक मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है अभी कल हमने लगवाई है। बज गए रात के 9 और अभी हम घर पहुंचे, अभी सबके घर गए हुए थे, फिर घर पे हम ब्लॉग नहीं छूट किया, तो अभी बस अब खाना वगैरह खाएंगे करेंगे आराम, कल करेंगे जाने की थोड़ी साफ़ सफाई, और कल निकल जाएंगे जम्मू के लिए वापस, बस ये मेरा लास्ट ट्रिप रहेगा इस मंथ का, इसके बाद घर वाले जाने भी नहीं देंगे, अभी भी ये सब कुछ बाहर, अगर बारिश होगी ना तो दिक्कत हो जाएगी, ये भूसा सारा गीला हो जाएगा, बट वो भी सूखा नहीं है ना, कल तक उस पर सफेदी वगैरह करें, कल का काम कल दिन को वही रहेगा सफेदी वाला ही। अब अगर ब्लॉग की एडिटिंग अभी एक ही हो चुकी है, अभी दोस्तों से यहाँ से फाइनल है, दूसरा ब्लॉग एडिट करना है, उसको करते हैं यहाँ पे खत्म, बाय बाय, मिलते हैं कल, टाटा।